देखने को मिलेगा चारों तरफ पहाड़ों के, और एक बहुत सुंदर सी आपको रोड दिखेगी। आप ड्राइविंग कर रहे होंगे लेकिन सामने आप देख सकते हैं के लिए विद इन 30 मिनट्स में या 25 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं। और आपको एक बात बता दें, लिविंग स्टाइल है बहुत बहुत करते हैं। लोकेशन है बहुत अमेजिंग लोकेशन है, इतना ग्रीनरी है और चारों तरफ पहाड़ पहाड़। सुबह सुबह आप देखोगे जो बादल है पहाड़ के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं, बहुत बार तो बादल हमारे हॉस्टल के रूम में घुस जाते हैं मॉर्निंग टाइम में, अगर हमारा रूम खुला रह जाता है दरवाज़ा ऐसा होता है। ओवरटेक कर सकते हैं लोगों को लेकिन करने नहीं दे रहे और हम भी नहीं चाहते कि चल ले दोनों को आगे आगे, उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो लोग हमसे आगे हैं तो चल ले तो कोई बात नहीं, हमें तो अपना लेवल पता है ना, हम चाहे तो अभी के अभी सेकंड में उनको ओवरटेक कर सकते हैं। और सामने देखो क्या व्यू है यार, और ये
इस साइड से भी गाड़ी ओवरटेक करने वाली है, वो लोग भी देख रहे हैं बंदा क्या कर रहा है। और एक बस्ती ये है यहाँ पे, यहाँ पे बस्ती जो होती है ना, गांव जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये थोड़े थोड़े बंदा घर का ही एक बस्ती होता है, गाँव होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन तो आप लोग बड़े होंगे, पॉपुलेशन बहुत कम है हमारे पॉपुलेशन, एरिया वाइज बहुत बड़ा है, बात के लिए जाने वाला है वो आपको ही दिखा देता हूँ, जस्ट विद इन 2-3 मिनट्स में आपको बात के लिए देखने को मिलेगा। और यार रोड तो आप देखिए, दिल खुश होता है रोड को देख के, क्योंकि हम वो वाला रोड भी देख चुके हैं ना कि हम बाइक तो बहुत दूर की बात है ना, पैदल नहीं चलना इम्पॉसिबल था उस रोड से। और इसका आपको एक बहुत बड़ी
ऊपर थे, नीचे बैम्बू आर्क है, ठीक है, बैम्बू आर्क के ऊपर घर बनाया हुआ था, ऊपर रहते थे, नीचे पानी जाता था। मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस किया, पहली बार प्लेन वाले होते हैं, यूपी बिहार दिल्ली वाले जो लोग होते हैं, ये इस टाइप का लोकेशन देखने को नहीं मिलता है हम लोग। और जब कभी आते हैं ना ऐसा लोकेशन पे, ये पागल हो जाते हैं, देखे क्या लोकेशन है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गंगा लेक भी दिखाऊंगा, अभी तो लेकिन आप समझ लीजिए गंगा लेक है पूरा ऊपर जाने का रास्ता है गंगा लेक का। और अभी तो हमें पहले जाना है ईटानगर, थोड़ा खाना वाना करके लिए आने के टाइम पे वीडियो में मैं गंगा लेक का वीडियो बना दूँगा। सामने आप देख रहे हैं गोहपुर है, ये ईटानगर का, तो पहले गोहपुर आएगा, फिर गोहपुर से 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, फिर गंगा मार्केट आएगा,
सामने देख रहे हैं ये जू रहा है, ये जू जाता है, ये रास्ता सीधा जो है सामने जू है, वो भी यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर। और अभी हम एंट्री मारने जा रहे हैं गोहपुर में, ईटानगर में है। तो अब आपको पूरा पहाड़ तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ईटानगर की गलियाँ और अच्छी अच्छी रोड देखने को आपको मिलेगी। तो फाइनली इन लोगों को हम ओवरटेक कर चुके हैं। देखो फाइनली अभी हम गोहपुर में एंट्री मार चुके हैं, और मेन रोड आती है ईटानगर से और उलंगबई एयरपोर्ट जाती है, तो उधर से आप आसामी निकल सकते हैं। तो अभी हम वही मेन रोड पे निकलने जा रहे हैं, ये मेन रोड है। तो ये मेन रोड है, ये इधर उलंगबई जाता है ये वाली साइड पे, और हम जा रहे हैं अभी ईटानगर वाली साइड में। तो अभी हम लोग ईटानगर में एंट्री मार चुके हैं, तो बोला इनको ज़रा हेलमेट लगाओ, इसका आप कहाँ पुलिस वाले पकड़ ले नहीं पता ना, और फालतू नाला पैसा उतार लेंगे हम लोगों से। तो जस्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स ईटानगर, और पहले आए गए गंगा मार्केट। रेस्टोरेंट में तो पहुंच गए हम लोग, लुकिंग वाइज तो रेस्टोरेंट बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन लुकिंग मत देखो, क्वालिटी है खाने में बहुत हैवी क्वालिटी है, ठीक है। तो अंदर चल के देखते हैं। सो फाइनली अभी हम ये रेस्टोरेंट में एंट्री मार करने जा रहे हैं, तो अभी खाना खाने के बाद फीडबैक भी आपको बता देते हैं कैसा होगा। अभी ठीक है, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर बाद में फीडबैक देंगे आपको, ठीक है। तो खाना भी आ गया है, ये क्या, ये आलू का भुजिया है, और ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या है, ये बॉयल, और ये क्या है ये भी नहीं पता, चटनी मिलेगा आपको साथ में, दाल मिलेगा, ये मटन मंगवाया हम लोग, और ये जो है ये मछली है, छोटे वाला मछली जो होता है ना पूरा गोरा, ये मछली का पूँछ है ये वाला। तो होपफुली खाना तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है, मैं थोड़ा टेस्ट करके देखा हूँ। तो होटल का मतलब स्ट्रक्चर तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन खाने का क्वालिटी है, तो इसलिए हम लोग अभी बैठे हैं। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, टेस्ट में कर लिया हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम कभी आप आते हैं तो आप प्रीफर कर सकते हैं यहाँ पर डिनर लंच कुछ भी, ठीक है।